आप देख रहे हैं क्रिप्टो अर्निंग टिप्स। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा जो है 500 ग्राम पूरा हो चुका है। तकरीबन मेरे ये 6 महीने लगे हैं इस टारगेट को पूरा करने के लिए। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि 500 ग्राम कैसे हुआ था और कैसे पूरा करना है। क्योंकि दोस्तों मैंने इसका रेफरल बटन बनाए थे। रेफरल भी अच्छी अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ रेफरल वो बनाइएगा जो कि प्रॉपर काम कर सके। ये ना तो वो एक दिन या दो दिन काम करें और आपको यानी कि वो वर्किंग ना करे, फिर आपके लिए मसला खड़ा हो जाता है। तो उसके बाद चलो चलते हैं विड्रॉ की तरफ, चलते हैं विड्रॉ की तरफ। ये विड्रॉ पे क्लिक किया, ये बता रहा है कि ये देखो मेरे 5-6 ग्राम पूरे हो चुके हैं और इसका जो क्या कहते हैं अब पेंडिंग बैलेंस है, क्योंकि मैंने ये कुछ लोगों को रेफर किया था जिन्होंने वर्क नहीं किया, इसलिए ये पेंडिंग बैलेंस है। तो चलो विड्रॉ पे क्लिक करते हैं। मैं बिटकॉइन इसका विड्रॉ लेता हूँ। ये देखिए बिटकॉइन में ले लें, इथेरियम में ले लें, पेपाल पाकिस्तान में फिलहाल अलाउ नहीं है, ठीक है। ये इस तरह काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं जो हूँ बिटकॉइन पे ले रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान पे जो है वो क्रिप्टो करेंसी अलाउ हो चुकी है। तो अन करीब ये बिटकॉइन वगैरह ये सब कुछ यूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बिटकॉइन का वॉलेट कैसे बनाते हैं, बिटकॉइन कैसे यूज़ करते हैं या कैसे, इसके पूरे एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद बिटकॉइन का एक एड्रेस होता है, वो मैंने कॉपी किया और वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। आगे ग्राम कितने मैंने विड्रॉ करने हैं, 500 ग्राम विड्रॉ करने हैं, जिसकी कीमत 1420 तकरीबन रुपीज पर डॉलर बन रही है। तो चले इस पर अब फीस इसकी है, विड्रॉ पे मैं प्रोसेस करता हूँ, देखते हैं अभी क्या कहते हैं। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि ये विड्रॉ नहीं देती, मैंने कहा चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ कि विड्रॉ देती है नहीं देती। तो ये देखिए ये मेरा जो है पेंडिंग बैलेंस आ चुका है बिटकॉइन पे। वॉलेट, ये मेरा वॉलेट का एड्रेस आ चुका है आके। और ये मेरा जो है ये मैंने 500 ग्राम विड्रॉ पे लगाए थे, पेंडिंग में जा रहे हैं 6/12/2020 को, ये मैंने विड्रॉ पे लगा दिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये मेरा रेफरल पे आ जाते हैं, क्योंकि मैंने रेफरल जो स्टार्ट में बनाए थे कुछ लोगों ने काम किया, कुछ लोगों ने जो है वो काम कोई नहीं किया। अब ये देखिए जो काफ़ी रेफरल पेंडिंग में जा रहे हैं, सारे पेंडिंग में जा रहे हैं। जब तक ये काम नहीं करेंगे इनका बैलेंस पेंडिंग में रहेगा। फिर मैंने जो है फिर मुझे गलती कर दी थी कि अननोन लोगों को भी मैंने रेफरल बना लिया था, लेकिन अब जो है फिर उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि ये गलत बात है। क्योंकि जैसे ही आपके मेरे में आपके रेफरल 40 से 45 होते हैं, तो पहले आपको मुझे पहले पार रेफरल जो है तकरीबन 5 ग्राम मिलते थे। तो उसके बाद फिर जब मैंने 50 क्रॉस किए, यानी कि मेरे रेफरल 50 हो गए, फिर मुझे 3 ग्राम मिलने लग गए। तो अब जो है मुझे तकरीबन वो 0.5 ग्राम मिलता है। ये देखें ये मेरे सारे जो है ये जो मेरे इतबार वाले दोस्त थे जिन्होंने काम किया, ये वो है जिन्होंने पूरा मुकम्मल काम किया, स्मार्ट कंट्रैक्ट वगैरह। उसके बाद ये डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, मैं पूरा डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड आ चुका है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि मैंने टोटल इतने से रोल किए हुए हैं। ये मेरे इनवाइटेड आदमी हैं, ये चीज़ हो गया, मुझे पर इनवाइटेड आदमी जो है तकरीबन वो 0.5 ग्राम मिलता है। ये देखिए मैं इस पर जाता हूँ रेफरल पे, दोबारा क्लिक करके बताता हूँ आपको रेफरल पे। अभी देखिए मुझे पर इनवाइटेड जो है वो कितने दे रहे हैं, 0.5 ग्राम देते हैं पर इनवाइटेड। 140 टोटल मैंने इनवाइट किए हैं, जिसमें 47 जो है वो मेरे पेंडिंग बैलेंस में आ रहे हैं। अब जैसे जैसे अब स्टार्ट में जो मैंने स्टार्ट किया था, इसकी जो वैल्यू थी पर ग्राम की वो तकरीबन वो थी 1.8 डॉलर से लेकर 2.2 तक। अब जैसे जैसे इसकी ये मशहूर होती जा रही है, पॉपुलर होती जा रही है, तो इनके जो है ना वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब ये देखिए मुझे पर ईच रेफरल पे 0.5 ग्राम मिल रहा है। अब देखें आज की जो ग्राम की प्राइस है 2.84 है। अब देखिए जैसे जैसे इसकी वैल्यू ऊपर जाती जाएगी, ये जो है ये कंपनी सख्ती करती जाएगी। पहले पर रोल जो है वो आपको 0 या 1 ग्राम मिलता था, अब जो है ये 0 या 0.1 ग्राम मिलता है। इसलिए बेहतर ये है कि जितनी जल्दी आप इसको ज्वाइन कर लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे जाके ये और भी सख्ती शुरू कर देंगे और भी इनके जो है ना टर्म एंड कंडीशन सख्त होते जाएंगे। तो ये दोस्तों ये देखिए मैंने आपको ये प्रूफ वगैरह दिखा दिया। तो उसके बाद मैंने लॉटरी खेलने की कोशिश की थी, लेकिन मैं 2-3 दफ़ा नाकाम हुआ, फिर मैंने खेलने ही छोड़ दिए। ये कोई बाई चांस होता है तो वो यानी कि आदमी जो है ना जीत जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो इसको हारते ही हैं। तो अब ये देखें ये लेवल मेरा भी बता रहा है, करंट लेवल मेरा 39 हो चुका है,
पर लेवल क्रॉस करने पर मुझे 1 ग्राम मिलता है। ठीक हो गया ना। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मैं अपना रेफरल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अनुक्रीप में जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पाकिस्तान में कैसे बिटकॉइन का वॉलेट बनाते हैं, एक दूसरे करेंसी का कैसे वॉलेट बनाते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि फ्री में लोगों को ना अर्निंग हो। मैं और भी तरीके से अर्निंग कर रहा हूँ, बिटकॉइन और तरीके से भी फ्री वाले काम कर रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा टफ है। स्टार्ट में ये ग्राम आई थी, ठीक है ना, ये ग्राम फ्री आई थी, तो मुझे लगा कि ये जो है ना फेक होगी। मैंने कहा चलो खैर फ्री वाली बात है ना, मैंने फिर काम करना शुरू कर दिया, लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया। मेरा यूट्यूब का चैनल था मैंने क्रिप्टो अर्निंग टिप्स के नाम से, तो उस पर वीडियो बना कर डाली, लोग मेरे ज्वाइन हुए, काम शाम किया, ठीक हो गया। इस तरह की मैं फ्री वाली जो वेबसाइट है ना उसके बारे में बताता रहता हूँ, क्योंकि शुरू में काम ही करना होता है ना। ठीक है ना, तो अगर फ्री में कुछ मिल जाए, अब मुझे तकरीबन 6 माह से भी कम अर्सा हुआ मुझे ये लेवल अचीव करने में, तो मुश्किल नहीं है। अगर 6 माह में मेरा इतना अर्सा हुआ है, अगर ये ग्राम $1400 तकरीबन बनते हैं, $1500 बनते हैं पाकिस्तान में, तकरीबन $1 165-160 रुपये का चल रहा है, तो ये कम अज़ कम तकरीबन 1-2 लाख के नज़दीक जाके ये अमाउंट बन जाती है मेरे अंदाजे के मुताबिक। ठीक है, तो वैसे फिर भी मैं ठीक है ना, फिर भी कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो मेहरबानी। तो काइंडली जो है ना वो लाजमी जो है ना अपने काइंडली लाजमी आपने जो है ना कमेंट्स में बताना है, ठीक है ना, कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, और किस तरीके से इसमें अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो तरीका अपनाया हुआ था वो डेली का जो आप फ्री में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना वो रिस्की करके करता हूँ। अगर वैसे करें तो 0.2 मिलता है, अगर रिस्की करके कंट्रैक्ट करें 0.4 मिल जाता है, क्योंकि तो किसी दिन मिस तो होना नहीं होता, सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट लगते हैं काम करने के लिए इस पे डेली के लिए। वीडियो भी देख लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेता हूँ, फ्री वाले रोल भी कर लेता हूँ मैं तो। लेकिन ज़्यादा बेनिफिट आपको इसलिए होगा कि क्योंकि अब तो जो नया आदमी आता है वो उसको पर रेफरल जो है वो 3 ग्राम मिलते हैं। मैं कहता हूँ ये भी फिर भी काफ़ी ठीक है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम 5 ग्राम थे, इसलिए मैंने जल्दी अचीव कर गया। लेकिन अगर आप इतमाद के आदमी लगाएंगे जो भी वाकई काम करना चाहते हैं, तो मुश्किल वो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कि आपको ये अचीव करने में मुश्किल पेश आए। 5-6 माह आराम से, स्टार्ट में जो था इन्होंने बड़ी यानी कि ढील दी हुई थी, लोग 3-3 4-4 माह में भी 500 ग्राम पूरा कर लेते थे। लेकिन अब जैसे जैसे सख्ती होती जा रही है, वैसे वैसे जो है ना इनका दौरान ये बढ़ता जाएगा विड्रॉ करने का। हाँ, ऐसे हो सकता है कि आगे ये जाके पॉपुलर हो जाए, ये करेंसी मशहूर हो जाए क्रिप्टो करेंसी, तो उसके बाद जो है हो सकता है ये लिमिट कम कर दे, 500 ग्राम से ये 400 ग्राम पे आ जाए, 300 ग्राम पे आ जाए, 250 ग्राम पे आ जाए। तो लेकिन एक फ्री वाली चीज़ है ना, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं पड़ती, तो क्या मसला है, सिर्फ दिन में 5 या 10 मिनट काम करना होता है अपने, मसला ही नहीं। अगर 6 माह बाद भी अगर आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं, तो अंदाजा लगाएं महीने का 15-18 हज़ार रुपये आपको जो तकरीबन वैसे फ्री का मिलता है, क्या मसला है आपका। क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि खर्चे पूरे नहीं होते, ये वो पूरे नहीं होते, इस तरह की काफ़ी वेबसाइटें हैं, मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी फिलहाल ट्राई में रखी हुई है, अगर मेरा विड्रॉ निकल जाएगा उस पर फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि बाकी ये कंफर्म, क्योंकि कुछ वीडियो आ रही हैं कि जिसके ऊपर लोग बता रहे हैं कि हमने पेंडिंग लगाया हुआ है, बैलेंस अभी तक नहीं आया हुआ। एक तो मेन वजह ये है कि बिटकॉइन का जो रेट है बहुत हाई हो चुका है। ठीक है, पहले तकरीबन तो 9,000 डॉलर, 10,000, 11,000 डॉलर, तब 17-18 हज़ार, 19 हज़ार डॉलर हो गया। लेकिन हो सकता है अनकरीब आने वाले वक्त में, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये $50,000 तक भी पहुंच सकता है। तो बेहतर है अभी से आदमी बिटकॉइन परचेज करके रख ले या सेव करके रख ले, मसला फिर अभी तक कहाँ रखे, तो वो मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप जो है वो कैसे वॉलेट बना सकते हैं, कैसे यानी कि उसको सेव कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे वॉलेट हैं जिसके ऊपर मैं क्रिप्टो करेंसी जो है वो मैं सेव कर रहा हूँ। एक डोगी कॉइन क्रिप्टो करेंसी है, डोगी या डोजी कॉइन उसका नाम है, वो मेरे पास तकरीबन 12-13 हज़ार कॉइन हो चुके हैं, लेकिन उसकी अभी वैल्यू जो है 0.03 या 4 आ रही है, बहुत कम है। अगर फर्ज करें अगर वो $1 पे भी उसकी वैल्यू पहुँचती है, ठीक है, तो आप देखिए मेरे पास 12,000 12,000 मेरे पास अगर डॉलर हो जाए तो कहाँ से कहाँ चल जाएगा। फ्री वाला काम है वो तो मसला है नहीं। हाँ, जिसमें ज़्यादातर अगर इन्वेस्टमेंट वाली बात है तो वो रिस्की हो जाती है, इन्वेस्टमेंट में पैसे ज़्यादा मिलते हैं लेकिन रिस्की हो जाती है, वो कहना दे। फ्री वाला है अगर ना भी दे तो चलो कोई बात नहीं, जो अपनी मेहनत ज़्यादा होती है ना। तो दोस्तों मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत मेहरबानी है, अल्लाह हाफिज़।